बात करते हैं देवास की, जहां विकास नगर क्षेत्र के गर्ग स्टेट में किराए के मकान में रहने वाले दो युवक सोमवार रात मकान के सामने से निकली बिजली लाइन की चपेट में आ गए हैं। एक को करंट लगा तो दूसरा उसे बचाने दौड़ा, जिससे वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे का प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सचिन उर्फ गुड्डू पिता इंद्र बहादुर उम्र 24 वर्ष व अजय पिता रमेश सिंह उम्र 22 वर्ष दोनों निवासी रीवा हाल मुकाम देवास गर्ग स्टेट में एक किराए के मकान में रहते हैं और निजी कंपनी में काम करते हैं। सोमवार रात को जब सचिन मकान के ऊपरी हिस्से में गैलरी में खड़ा था, तो अचानक बिजली लाइन जो कि मकान के समीप से निकली है वहां करंट की चपेट में आ गया था। उसे बचाने के लिए अजय दौड़ा तो उसे भी करंट लग गया था। करंट लगने से सचिन की मौके पर ही मौत हो गई और वो गैलरी की दीवार पर काफी देर तक लटका रहा। बाद में दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद सचिन को मृत घोषित कर दिया है। वहीं अजय का प्राथमिक उपचार किया गया है। अजय का निजी अस्पताल में उपचार जारी है। सुबह मृतक सचिन के शव का पीएम किया गया है। मामले में औद्योगिक पुलिस ने मर्ग कायम किया है।